दरभंगा में फिर से निर्मम हत्या कर दी गई है अपराधियों के द्वारा। जी हां, क्राइम कैपिटल बना दरभंगा। बिरौल थाना अंतर्गत साहो गांव में चाय दुकान चलाकर जीवन यापन करने वाले 65 वर्षीय सतार खान की पिछले रात हत्या हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि वह हर रोज की भांति अपना दुकान बंद करके दुकान पर ही सो जाता था, लेकिन पिछले रात बदमाशों ने उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग बिरौल प्रखंड के साहो गांव के कब्रिस्तान के समीप चौक पर वर्षों से चाय का दुकान चलाता था, लेकिन जब वह अपना दुकान बंद करके दुकान पर ही सो गया तो सोए अवस्था में किसी ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और चेहरे को चाकुओं से गोद दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वही मृतक के खबर के प्रायोजक हैं। नीट के एग्जाम में पास करने तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का हब बना उत्तर बिहार का एकमात्र संस्थान एपिक्स इंस्टीट्यूट। दरभंगा के प्रसिद्ध बायोलॉजी शिक्षक डॉक्टर डी कुमार एमबीबीएस एमडी। नई बैच 7 मार्च से प्रारंभ। पता खान चौक, रहमगंज, दूसरा चौबे लॉज, नाका 5, डोनार रोड, दरभंगा। वही मृतक के पत्नी ने अपने बयान में कहा कि उनके पति की हत्या कर दी गई है, साथ ही उन्होंने कुछ लोगों पर शक भी जाहिर की है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। इधर मृतक के पत्नी के बयान को आधार बनाकर पुलिस ने एक महिला और एक पुलिस को गिरफ्तार करके थाने ले आई और पूछताछ कर रही है। मृतक के पत्नी ने बताया कि विगत 3-4 दिन पूर्व गांव के ही एक लड़के ने मोबाइल चोरी कर लिया और इस मामले में उसे जान से मारने की धमकी तक दे दिया। उनकी पत्नी का शक है कि कहीं उस लड़के ने ही उनके पति की हत्या तो नहीं कर दिया, जबकि पुलिस ने सभी एंगल की जांच शुरू कर दी है, बताया जा रहा है।